आपका नाम? डॉक्टर दिनकर कुमार। दिनकर जी, आप यहाँ क्यों बैठे, क्या कारण है? आप एक आपको हॉस्पिटल में होना चाहिए था और आप यहाँ समझ जनता को लेकर यहाँ बैठे, आपका क्या कारण है यहाँ बैठने का? हमारा कोई ज़्यादा कारण नहीं है। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर में हमारे एक डिसीजन दिया था कि जो भी वर्क हम हॉस्पिटल्स में कर रहे हैं, हमारी सारी क्वालिफिकेशन सेम है, उन क्वालिफिकेशन के आधार पे जो हमारे यहाँ परमानेंट है उनकी सैलरी और हमारे सैलरी में काफ़ी डिफरेंट था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। आज 26 डेज से हम वही, जो हमारे बीच में अंतर है परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट पे जो हमारे अंतर किया जा रहा है, उसी के लिए हम 26 दिनों से सिर्फ सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो हम सेम काम करते हैं उसी के जगह पे सेम वर्क सेम पे हमको दे दिया जाए। आपको यह 26 दिन लगातार हो गए, क्या दिल्ली सरकार से या केंद्र सरकार से आपको किसी प्रकार का आश्वासन मिला है? नहीं, दिल्ली सरकार से आश्वासन मिला था मार्च में। सत्येंद्र जैन जो हमारे हनेबल चीफ मैनेजर थे, वो हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो हमारे बीच आए थे। उन्होंने बोले कि 31 मार्च 2017 तक अगर आपको नहीं मिलता है तब आप हमको कुछ बोल सकते हैं। इसी उनकी प्रावधान के होते हुए भी हम लोगों ने स्ट्राइक को ख़त्म किया था, लेकिन उनकी सारी स्थितियां जितने भी है वो झूठ में बदल गए। और आज 31 मार्च से लेकर के आज हम करीब करीब 6 महीने के बाद भी हम उस स्थान पे आ गए हैं कि हम लोग इतने कड़ी धूप के बीच में करीब करीब 2700 से लेकर 3000 स्टाफ जो हमारे NHM के हैं वो रोड पे आए हुए हैं, जिसको सरकार कोई सुनवाई नहीं दे रहा है। सर, एक तरफ दिल्ली सरकार का ये ट्विटर पे बोलते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, डॉक्टर स्ट्राइक पे हैं, डिस्पेंसरियों में काम चल रहा है, हॉस्पिटलों में काम चल रहा है। ये सर पूरी फ़र्क पड़ रहे हैं, जहाँ तक कि आपको देखें पेपर में भी आ रहे हैं, कोई हमारा जो इंडिया जो प्रधानमंत्री का इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था वो भी हमारा पूरी तरह से फ्लॉप गया है दिल्ली के अंदर। जितने भी हमारे OT हैं, क्योंकि OT में काम करने वाले जो OT आपका टेक्नीशियंस हैं, NM हैं, सब यहाँ स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। OT की संख्या कम हो गई है, पेशेंट की लोड ज़्यादा बढ़ गया है। इस वजह से भी अभी कुछ दिन पहले हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब ने टाइम को बढ़ाया है, उन्होंने बोला है कि टाइम बढ़ा करके हम पेशेंट के लोड को ख़त्म करते हैं। वही डॉक्टर्स, वही NM, वही स्टाफ हमारे 9 से 4 के बीच में जो काम करते थे, उन्होंने 4 दिन करके 4 दिन पहले ऑर्डर दिया है कि 1 घंटा पहले बढ़ा दिया जाए, जिससे पेशेंट का लोड कम हो और हमारी जो यहाँ बैठे हुए उनको कोई फ़र्क न पड़े। हमारा आगे का प्लान कुछ नहीं, प्लान है सरकार से सिर्फ डिमांड हमारी है कि अगर हमको सेम वर्क सेम पे कर दिया जाए, और उसके बाद डिमांड तो एक ही डिमांड है, कोई और डिमांड नहीं है। जितना काम कर रहे हैं समान काम से, नहीं इसके पहले मार्च में हमने किया था, मार्च में जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अक्टूबर में आया था तो मार्च में हमने किया था, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया मुझे कि हम आपको 31 मार्च तक कर देंगे। हाँ, आश्वासन दे करके उन्होंने उठा दिया।